हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल फार्मूलाज। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर फार्मूला के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे उसका नाम, उस फार्मूले का ग्रुप कौन सा है और एमएस ऑफिस के किस वर्जन से ये अवेलेबल है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका यूज, उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसको यूज करने के लिए कितने और क्या क्या आर्गुमेंट्स की जरूरत होती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उस फार्मूला को यूज करना और उस फार्मूला को, उसकी फंक्शनलिटी और यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारा फॉर्मूला ऑफ द डे है डीडीबी। डीडीबी, तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं डीडीबी के लिए। हमारा नेम ऑफ द फॉर्मूला हो गया डीडीबी। फाइनेंशियल ग्रुप का पार्ट है, एमएस ऑफिस के ये सभी वर्जन्स में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन या यूज की बात करें तो रिटर्न्स या कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड बाय यूजिंग द डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और सम अदर मेथड दैट यू स्पेसिफाई। मीन्स बहुत सारी फैक्ट्रियों में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में मशीन्स को टू शिफ्ट्स में और थ्री शिफ्ट्स में यूज किया जाता है। मशीन्स को सिंगल शिफ्ट की जगह टू शिफ्ट्स और थ्री शिफ्ट्स में यूटिलाइज किया जाता है, या बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो 24/7 रन करती हैं, तो उनकी एसेट को जल्दी डेप्रिसिएट करने के लिए हम लोग डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या जो भी मेथड हम लोग 24/7 है तो उस तरीके से कि डबल शिफ्ट में यूज हो रहा है या ट्रिपल शिफ्ट में यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके रिटर्न करता है। सिंटेक्स ऑफ फॉर्मूला की जहां तक बात है, सिंटेक्स ऑफ फॉर्मूला इसका है इक्वल टू डीडीबी कॉस्ट, सैलवेज वैल्यू, लाइफ और पीरियड, और फोर्थ, ये एक फिफ्थ इसमें ऑप्शनल आर्गुमेंट है, दैट इज फैक्टर, दैट इज फैक्टर। ठीक है, तो इसको दोबारा डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा फैक्टर्स, इनको डिटेल्स को समझने के लिए। सबसे पहले कॉस्ट मींस मशीन की इनिशियल कॉस्ट क्या है, स्क्रैप या सालवेज वैल्यू, मशीन की यूजफुल लाइफ कंप्लीट होने के बाद वो कितने में स्क्रैप सोल्ड आउट होगा वो वैल्यू, लाइफ मींस मशीन की टोटल यूजफुल लाइफ कितना है, पीरियड मींस हमें किस पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, फैक्टर फैक्टर क्या है कि मशीन टू शिफ्ट्स में यूज हो रही है या थ्री शिफ्ट्स में यूज हो रही है। अगर हम लोग फैक्टर को डिफाइन नहीं करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ये मानेगा कि टू शिफ्ट्स में यूज हो रही है, और अगर हम लोग डिफाइन कर देते हैं कुछ और, मीन्स सपोज टू टू शिफ्ट्स के लिए और थ्री हो जाता है हमारा ट्रिपल शिफ्ट्स के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज हो जाएगी कि टू शिफ्ट या 24/7 या थ्री शिफ्ट में यूज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी मशीन पर जो डेप्रिसिएशन लगना है, कैलकुलेट होना है, दैट विल चेंज। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। लाइक सपोज फर्स्ट ईयर में हम लोगों को दिया हुआ है कि मशीन की कॉस्ट 1 लाख रुपीज है, स्क्रैप या सालवेज वैल्यू 10,000 रुपीज है, लाइफ है, यूजफुल लाइफ 6 है और पीरियड है 1। अभी हम फैक्टर को यूटिलाइज नहीं करते हैं, डीडीबी। ठीक है, 1 लाख रुपीज हम लोग, स्क्रैप इज 10,000, लाइफ इज 6 और फर्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम फैक्टर डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये मान रहा है कि वहां पर टू शिफ्ट्स में मशीन यूटिलाइज हो रही है, तो टू को हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर बाई चांस हम लोगों की इंडस्ट्री 24/7 वाली है जहां पर मशीनें थ्री शिफ्ट में यूटिलाइज हो रही हैं, तो वहां पर हम लोगों को इस तरीके से थर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड लिखना पड़ेगा या सिस्टम को बताना पड़ेगा जिससे कि वो थ्री शिफ्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दे, अदरवाइज ये डबल शिफ्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है। देखिए, डेप्रिसिएशन चेंज हो गया क्योंकि अब ये थ्री शिफ्ट के लिए यूज कर रहा है, और अगर हम फैक्टर्स नहीं बताते हैं उस केस में ये डबल शिफ्ट के लिए यूज करता है। ठीक है, तो हमारा डेप्रिसिएशन है 33,333, और अगर हम लोग कहते हैं कि जी ये थ्री शिफ्ट में यूज होती है मशीन, तो डेप्रिसिएशन चेंज होकर के हमारा हो जाता है 50,000 रुपीज। ठीक है, ये तो था हमारा डायरेक्ट इनपुट वाला तरीका। अब अगर हम लोग इसी को सेल रेफरेंस मेथड के थ्रू यूज करना चाहें
तो यहाँ पर हमें फैक्टर को याद रखना है, फैक्टर किस काम के लिए यूज हो रहा है, मशीन टू शिफ्ट में यूज हो रही है या थ्री शिफ्ट में। टू के लिए हमें बताने की जरूरत नहीं है, बट अगर थ्री में है तो हमें फैक्टर को डिफाइन करना पड़ेगा। इक्वल टू डी डी बी सेल रेफरेंस के अकॉर्डिंग, मशीन की कॉस्ट 1 लाख रुपीज, स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपीज, लाइफ 6 की है और सेकंड पीरियड की हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी मैं फैक्टर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, तो हम लोगों का डेप्रिसिएशन कितना आ गया है 22,222। यहाँ पर मैंने फैक्टर कोई भी नहीं यूज किया है, ठीक है। आप फैक्टर को यूज करें, अगर टू को यूज करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं यूज करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक यहाँ पर हम लोग फैक्टर ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारा डेप्रिसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली अज्यूम कर रहा है कि मशीन इज यूजिंग इन डबल शिफ्ट्स। बट अगर हम लोगों को थ्री शिफ्ट्स में मशीन को यूटिलाइज करना है तो हम लोगों को इस फैक्टर को चेंज करना पड़ेगा और थ्री करते ही हमारा डेप्रिसिएशन चेंज हो जाता है, ठीक है। टू और थ्री का ध्यान रखना है कि मशीन टू शिफ्ट में यूटिलाइज होनी है या थ्री शिफ्ट में यूज होनी है। इसी बेसिस पर हम रिमेनिंग पीरियड का डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं कॉपी कर रहा हूँ और उसको देखिए, हर बार का डेप्रिसिएशन चेंज हो गया, ये किस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। फैक्टर का यूटिलाइजेशन मैं बता रहा हूँ जो ऑप्शनल आइटम है, जब 24/7 यूटिलाइज होगी तो हम लोग इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली जल्दी की वजह से इतने पीरियड में ही डेप्रिसिएशन एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो कंप्लीट डेप्रिसिएशन यहीं पर फोर्थ ईयर में ही चार्ज हो गया। तो ये था हमारा डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।